नई पेंशन स्कीम को लेकर फ्रांस में भारी बवाल चल रहा है। पेरिस में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर भिड़ंत भी हुई है। भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और आगजनी भी की है। पुलिस की लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। सरकार की नीतियों के विरोध में हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हजारों लोग पेंशन सुधार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर राष्ट्रपति मैक्रों की नीति के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर हैं। पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। फ्रांस सरकार के खिलाफ सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। सरकार की नई पेंशन नीति के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। प्रदर्शनकारी पुरानी पेंशन लागू करने पर अड़े हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की। पेरिस समेत कई शहरों में उग्र प्रदर्शन जारी है। सरकार की नई नीति के खिलाफ शुरू से ही नाराजगी है। नई नीति के मुताबिक रिटायरमेंट की आधिकारिक उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्ण पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा काल की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि मैक्रों सरकार प्रदर्शनकारियों के आगे झुकेगी।